हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर में सिखाने जा रहा हूं कि अगर आपका सैनिक स्कूल के काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गया है तो मेडिकल प्रोसेस कैसे होगा। वीडियो लंबी है तो प्लीज आराम से देखना और धीरे धीरे हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। लास्ट तक नहीं पहुंचना है, टारगेट है कि एक एक चीज समझ के आगे बढ़ना है। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो बता देता हूँ। 15 मार्च 2024 को आप लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2024। इसके बाद जो सीट एलोकेशन रिजल्ट डेट है वो 6 अप्रैल का है, यानी कि 6 अप्रैल को आपको पता चलेगा कि आपको सीट मिल रही है कि नहीं राउंड वन के लिए। फिर राउंड टू होगा, राउंड थ्री होगा, उसके बारे में भी मैं आगे वीडियोस बनाता रहूंगा। तो जैसे ही आपको 6 अप्रैल को पता चलेगा कि आपको सैनिक स्कूल मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद क्या है आपको एक्सेप्ट करना है। ये जो 4 दिन दिख रहा है आपको, 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल, इस पीरियड में आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है जो स्कूल आपको मिला है उसमें आप जाना चाहते हैं या राउंड टू के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपको सैनिक स्कूल अंबिकापुर मिला एग्जाम्पल के लिए, तो आपने क्या किया, आपने बोला ओके, टिक कर दिया अपने वेबसाइट पे, काउंसलिंग वाले वेबसाइट पे आपने टिक कर दिया कि आपको पसंद है और आपको चाहिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर। अब क्या होगा, आपको 15 अप्रैल के बाद से कॉल्स आना शुरू होंगे सैनिक स्कूल अंबिकापुर के साइड से और ईमेल भी आ जाएगा आपको, जहां पर वो आपको बताएंगे कि कौन से हॉस्पिटल में जाके आपको मेडिकल चेकअप कराना है और कौन से डेट को कराना है। अब जो डेट है वो सैनिक स्कूल डिसाइड करेगा जहां पर आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन कौन से हॉस्पिटल में जाना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से हॉस्पिटल में आपको चेकअप कराना है वो मैं पहले से आपको बता देता हूँ वेबसाइट के थ्रू। आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो काउंसलिंग वाला वेबसाइट है उसको खोलना है और उसमें आपको काउंसलिंग नोटिसेस में जाना है। नोटिसेस में आप देखोगे तो गाइडलाइंस एसओपी है, उसको क्लिक करना है आपको, गाइडलाइंस एसओपी आपको करना है, ठीक है। तो ये एक पीडीएफ आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली। इस पीडीएफ में आपको पेज नंबर 29 पे जाना है, पेज नंबर 29 आ जाओ भाई साहब। हाँ भाई, ये देखो यहां पर दिया हुआ है लिस्ट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल, पेज नंबर 30 खुल गया, पेज नंबर 29 ये है, लिस्ट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल्स एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स के लिए, एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स के लिए। जैसे मैं अंबिकापुर का एग्जांपल ले रहा था तो आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका अंबिकापुर है, इसके लिए आपको हॉस्पिटल दिया हुआ है राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह डीओ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड हॉस्पिटल। तो ये आपको एड्रेस दे दिया है, आपको हॉस्पिटल का फोन नंबर भी आपको दे दिया है मेडिकल सेंटर का। इसके अलावा डेट तो जो है वो आपको सैनिक स्कूल वाले ही बताएंगे और आपके वेबसाइट पे भी आ जाएगा 15 अप्रैल के बाद। तो देखो हर बच्चे को सेम डे नहीं मिलने वाला है, तो 15 अप्रैल के बाद से लेकर अगले 1-2 हफ्ते तक 10 या 15 बच्चों के ग्रुप्स को बुलाया जाएगा हॉस्पिटल में उनके चेकअप के लिए। तो यहां पर तो ये बहुत बेसिक था, ये तो आप कहीं से भी समझ सकते थे। तो इस वीडियो में आने का या इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपको जो मेडिकल का फॉर्म है 16 पेजेस का, 16 पन्नों का जो फॉर्म है वो आपको कैसे फिलअप करना है, उस प्रोसेस को मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो फॉर्म जो है वो आपको कहां पर मिलेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है वेबसाइट पे, होम पेज पे आप ऑलरेडी थे, वेबसाइट पे कैसे आते हैं वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तभी आपने काउंसलिंग किया है तब आपको पता है। होम पेज पे आपको जाना है और यहां पर क्या करना है, आपको काउंसलिंग प्रोसेस में जाके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करने के बाद आप देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड पीडीएफ फॉर्मेट, इसको क्लिक करेंगे। ये पीडीएफ जो आएगा, इस पीडीएफ में एक लिंक दी हुई है, ये देखिए मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, इसके लिए जो लिंक दिया है पीडीएफ का वो मैं अभी क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूं पीडीएफ कैसा दिखाई देगा। पीडीएफ कुछ ऐसा दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। ये मैंने खोल रखा था ऑलरेडी, तो मैं दूसरे पेज में खोल लेता हूं। ये 16 पेजेस का, कितने पेजेस का पीडीएफ है ये, 16 पेजेस का। देखो अब ये थोड़ा लंबा है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, आराम से फोकस के साथ सुनो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। यहां पर इस 16 पीडीएफ के पेजेस में आधा जो है वो आपको फिलअप करना है और आधा जो है वो हॉस्पिटल में फिलअप होगा जब आपको बुलाया जाएगा हॉस्पिटल में। तो आपको ये पीडीएफ प्रिंट आउट करना है पूरा का पूरा 16 पेजेस और आपको फिलअप करना है। देखिए पहला पेज तो बहुत बेसिक है, नेम, डिटेल्स, एज, ये सब आपको डालना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह डालना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब बच्चे के कहीं पर भी चोट या कोई तिल वगैरह होगा तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहां पर 11th नंबर पे देखिएगा तो फैमिली डिटेल्स के बारे में बात कर रहा है। यहां पर आपको क्या करना है, जो भी आपके फादर मदर हैं
जो भी स्टूडेंट के फादर या मदर है उनका नाम लिखना है, और बगल में अगर वो जिंदा है तो यहाँ पर एज लिखना है उनका, और उनका हेल्थ के बारे में लिखना है कि हेल्थ हेल्दी है या अनहेल्दी है, और अगर वो डेथ कर चुके हैं एक्सपायर्ड हैं तो कैसे एक्सपायर हुए वो लिखना है, और कौन से ईयर में एक्सपायर हुए वो लिखना है। तो आपको सबके लिए लिखना है, फादर मदर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, और यहाँ पर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर में दादा दादी की बात हो रही है, नाना नानी की बात नहीं हो रही है, दादा दादी की के बारे में लिखना है, और यहाँ ब्रदर सिस्टर अगर है तो उनके बारे में लिखना है। और अगर बाई चांस आपके मान लो फॉर एग्जाम्पल चार तीन की जगह चार भाई हैं, कम ही चांस है वैसे आज के टाइम पे, तो पर मान लीजिए एक और है, तो आप इसको एक और बॉक्स बना के यहाँ पर फिलअप उसका नाम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सेकेंड पेज पे देखिए फैमिली हिस्ट्री लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें डिजीजेस के नाम बीमारियों के नाम दिए हुए हैं, इन बीमारियों के अगर जैसे मान लो ट्यूबरक्लोसिस टीबी अगर आपको है कि आपके रिलेशन में किसी को भी है तो आपको यस लिखना है और उनके नाम लिखने हैं। अब एग्जांपल के लिए डायबिटीज, मान लीजिए डायबिटीज जो है वो मदर और फादर दोनों को है, तो आपको क्या लिखना है डायबिटीज में यस, और फिर क्या लिखना है मदर और फिर कॉमा करके फादर। ठीक है, ऐसे करके सारा का सारा आपको ये टेबल फिलअप करना है। मूव ऑन करते हैं आगे, पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, इसमें आपकी इच्छा है आपको जो लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है बहुत ज्यादा मत लिखिए। इसमें बस बेसिक्स आपको क्या बताना है, सर्दी खांसी नहीं बताना है, इसमें आपको बताना है कभी हाथ टूटा था पैर टूटा था या कभी आपको कोई बीमारी हुई थी, एग्जाम्पल के लिए चिकन पॉक्स वगैरह, तो वो बेसिक्स देने हैं कि निमोनिया कभी हुआ था या इस टाइप के, तो वो बेसिक्स आप इसमें डाल दीजिएगा ब्रीफ में, ब्रीफ मतलब शॉर्ट में। आगे बढ़ते हैं फिर, इसके बाद है हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें स्टूडेंट के बारे में लिखना है कि क्या स्टूडेंट को इनमें से कोई बीमारी हुई है, ये एक दो तीन चार पता नहीं कितनी सारी बीमारियां लिखी हुई है। अगर आपको जैसे मान लो अस्थमा है, अगर आपको अस्थमा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर यस लिखना है, अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है तो आपको नो लिखना है, और जब हुआ था जैसे मान लो आपको अस्थमा था, मान लो एट द एज ऑफ 7 आपको पता चला कि आपको अस्थमा है, तो यहाँ पर आपको अपना एज लिखना है, वैसे ही पूरा का पूरा ये टेबल फॉर्म भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे, हैव यू एवर बीन एडमिटेड फॉर एनी इलनेस, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में तो आपको बीमारी बताना था हुआ है कब हुआ है, अब अगले टेबल में आपको क्या बताना है, आपको बताना है बेसिकली कि आप कभी भी हॉस्पिटल में गए हो क्या, एडमिट हुए हो क्या, और कितने दिन के लिए हुए थे। देखो ड्यूरेशन लिखा हुआ है ना, तो अगर मान लो आपका हाथ टूटा था या एक्सीडेंट हो गया था और आप 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में थे, तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सीडेंट और यहाँ पर लिखना पड़ेगा ड्यूरेशन कितना था 2 डेज का। अभी तक तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहा होगा, छोटे छोटे डिटेल्स हैं, खुद ही भरना है, सही से भरना है, झूठ नहीं भरना, डरने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा पास्ट को देख के आपके बच्चे को ऐसा नहीं है कि निकाल देंगे कि इतना सारा हुआ था, तो वो लोग प्रेजेंट में जो टेस्ट करेंगे उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि बच्चे को एडमिशन देना है कि नहीं। यहाँ पर एनी अदर इन्फॉर्मेशन में देना होगा दीजिए, नहीं देना होगा तो नो लिख दीजिए। याद रखिएगा हर पेज में ऊपर में देखिए एप्लीकेशन नंबर आपको लिखने को मिलेगा, पूरे के पूरे 16 पेजेस में एप्लीकेशन नंबर ऊपर में लिख दीजिएगा, ठीक है, ये जरूरी है, कंपलसरी है। फिर पेज 17 पॉइंट में डिटेल्स ऑफ वैक्सीनेशन, ये थोड़ा सा हेडेक वाला काम मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें आपको अपने बच्चे का हर एक एज में जो भी वैक्सीनेशन हुआ है, बर्थ होने पे ओपीवी हेपेटाइटिस बी लगवाए थे कि नहीं लगाए थे, 6 वीक्स का जब था बच्चा स्टूडेंट तो उसको ये सब डोजेस मिले हैं कि नहीं, 10 वीक्स में मिले हैं कि नहीं, 14 वीक्स में, ऐसा करते हुए 10 to 12 years की एज तक में आपको पूरा भरना है। और ये जो लास्ट वाला जो ये कॉलम है इसमें आपको भरना है कि डेट क्या था उस वैक्सीनेशन का, तो आपने वैक्सीनेशन में यस या नो लिखा, डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने मान लो आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें से आपने सारे के सारे वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, झूठ मत लिखिएगा, सही से लिखिएगा, और साथ में यहाँ पर उसका डेट लिख दीजिएगा। प्लस यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है, अटैच वैक्सीनेशन कार्ड फॉर रेफरेंस, तो जो वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो उसका जो आपको कार्ड मिलता है हॉस्पिटल से, वो कार्ड भी आपको हॉस्पिटल लेके जाना है जिस दिन आपको बुलाया जाएगा चेकअप के लिए, क्योंकि ये जो पूरा फॉर्म है जो आप भर रहे हैं वो मेडिकल वाले दिन ही आपसे जमा कर लिया जाएगा, जिस दिन आप हॉस्पिटल जाएंगे उसी दिन सैनिक स्कूल का स्टाफ आएगा और वो आपका पूरा फॉर्म लेके चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर है एनी अदर वैक्सीनेशन गिवन, इसमें आप एक्स्ट्रा कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोरोना वगैरह का, हालांकि अभी तो कोरोना का तो बच्चे बहुत छोटे रहे होंगे उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे तो उनको तो नहीं लगा होगा, बट अगर उसके अलावा कुछ और भी वैक्सीनेशन लगाए तो आप वहां पर इसको फिलअप करके डेटा दे सकते हैं। फिर 18 नंबर पे लास्ट है, ये आप लोगों को करना है, आपका जो मेहनत है बाद में तो फिर मेडिकल ऑफिसर करेगा। इसमें क्या करना है आपको, सैनिक स्कूल जिसमें आप जा रहे हो, जैसे सैनिक स्कूल अंबिकापुर का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर लिखना है अंबिकापुर,
और यहाँ पर कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट का सिग्नेचर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर, फिर ये स्टूडेंट के फादर का या मदर का सिग्नेचर वगैरह, और उसके नाम, और फिर डेट, डेट जिस दिन आप मेडिकल चेकअप कराएंगे उस दिन का लिखिएगा, आज का मत लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पे। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है ये आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ये कौन फिलअप करेंगे? ये भाई साहब करेंगे जो वहां हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे होंगे, वो करेंगे। वो आपको वो पूरा नापेंगे खुद ही से, वेट वगैरह वो लोग वापिस से मेजर करेंगे, शुगर वगैरह चेक करेंगे, आपका यूरिन एग्जामिनेशन होगा, ब्लड एग्जामिनेशन होगा। जी हाँ, ब्लड निकलेगा, तो बच्चों को पहले से बता दीजिएगा, अगर बच्चा देख रहा है तो वीडियो, बेटा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा खून निकालेंगे बस। उसके बाद आगे देखोगे आप तो ये सारा का सारा डेटा डॉक्टर को भरना है, तो आपको इसको देखने का जरूरत ही नहीं है, आप टेंशन मत लो। ऐसे करते करते पूरा का पूरा अगला जो पेजेस है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस लास्ट जो पेज है आपका, जो लास्ट पेज है 16th पेज जो है आपका, एंटर 16th पेज जो है लास्ट में, इसमें आपको फिलअप करना है आपका, हाँ ये नेम ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, मदर फादर का, मदर या फादर का नाम, उनका सिग्नेचर, और ये जो डेट है जब सिग्नेचर करेंगे वो चीज का, ठीक है। तो दो बार डेट क्यों दिया है मुझे नहीं पता, एक ही डेट को भर दीजिएगा, इट इज सफिशियंट। और यहां पर से आपका मेडिकल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब मेडिकल तो आपको समझ आ गया, पर पॉइंट ये आता है कि इसके बाद क्या होगा। सर मेडिकल हमने दे दिया, देखो बच्चा मेडिकल आपने दे दिया, मेडिकल जैसे ही कंप्लीट होगा उसके अगले दिन ही आपको, इनफैक्ट मेडिकल के दिन ही आपको बता दिया जाएगा कि अगले दिन आपको एडमिशन के लिए आना है कि नहीं आना है। वो मेडिकल चेकअप जिस दिन होगा उसी दिन वो रिजल्ट डॉक्टर बता देगा कि आपको एडमिशन मिल रहा है कि नहीं। तो एडमिशन के लिए आपको अगले दिन बुलाया जाएगा, हो सकता है एक दो दिन का टाइम दे दिया जाए अगर आप डिमांड करें तो, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको अगले दिन ही वहां पर जाना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा, फीस जमा करो, और फीस कितनी है? फीस है लगभग 1,70,000 के आसपास है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, मुझे जहां तक अमाउंट याद आ रहा है। उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आपकी इनकम 1,00,000 से कम की है तो, और अगर 1,00,000 से 5,00,000 तक है तो एक अलग टाइप का थोड़ा कम स्कॉलरशिप मिलेगा। इस तरीके से स्कॉलरशिप के लिए भी आप स्कूल में जाके पर्टिकुलरली डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पैसों की बंदोबस्त करना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही एडमिशन, जैसे ही मेडिकल क्लियर होगा वो आप पे प्रेशर बना देंगे कि भाई साहब फीस जमा करो, नहीं तो राउंड टू में हम ये सीट किसी और को दे देंगे। तो राउंड टू के शुरू होने से पहले ही आपको अपना एडमिशन अपने बच्चे का कराना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फीस जमा करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट में जमा करने का भी प्रोसीजर होता है, तो वहां पर आप जाके इंस्टॉलमेंट में भी फीस जमा कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रेडी रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए वीडियो मैं बना चुका हूं इसी चैनल के अंदर में, आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां पर जाके वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने हर एक लिस्ट के, हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में समझाया है कि किस तरीके से कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा और कैसे आपको फिलअप करना है। उस वीडियो को देखिए, डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, एडमिशन कराइए, और फिर हमें कॉल करिए, गुड न्यूज दीजिए कि भैया बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद।